इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो हम बताएंगे अभी आपको, स्टेटस में आपको मॉडम के अंदर लॉगिन होना चाहिए, हो जाना है। लॉगिन होने के लिए 192.168.1.1, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड आप इंटर कीजिएगा, उसके बाद आप मॉडम के अंदर इंटर हो जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, स्टेटस में जाने के बाद वन में जाना है। वन में जैसे ही आप जाइएगा उसके बाद आप देखिएगा कि इंटरनेट का स्टेटस क्या है और वॉइस का स्टेटस क्या है। अगर ये दोनों का दोनों कनेक्टेड दे रहा है तो आपका इंटरनेट चलेगा, अगर डिसकनेक्टेड है तो आपका स्टेटस इंटरनेट कभी नहीं चलेगा। ये हो गया। उसके बाद आप देखिए पॉन कनेक्शन स्टेटस, पॉन स्टेटस कनेक्शन हमेशा के हमेशा कनेक्टेड मोड में होना चाहिए। अगर डिसकनेक्टेड मोड में आ गया तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर और तीसरी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये बहुत कम मिल जाता है तो भी आपका स्पीड में प्रॉब्लम आ जाएगा, और बहुत ही कम मिल रहा है तो आपका इंटरनेट भी नहीं चलेगा, पॉन लाइट स्टेबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर -30 से ऊपर आता है तो आपका पॉन जो PON पॉन वाला लाइट है वो स्टेबल अच्छे से नहीं रहेगा, कुछ समय स्टेबल होगा फिर उसके बाद ब्लिंक करने लगेगा। अब फिर हमेशा ध्यान रखिएगा कि -30 dB से ये ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर हमेशा कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों तो आपका इंटरनेट बहुत आसानी से बहुत अच्छे स्पीड से चलेगा। ये दोनों चीजों आप हमेशा ध्यान रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ साथ हमेशा एक चीज और देखते रहिएगा कि आपका जो VLAN है, MAC एड्रेस, ये भी आप इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस ये दो तीन चीजों के बाद। लेकिन आप हमेशा अपने सर्विस प्रोवाइडर का नंबर अपने पास रखिएगा, ये सब दोनों प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनके उनसे फोन करके पूछेगा कि आपका मेन सर्वर में प्रॉब्लम है क्या। तो हो सकता है, कई बार क्या होता है मेन सर्वर में प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए आपका इंटरनेट नहीं चलने वाला, जैसे ही उनका मेन सर्वर रिकवर हो जाएगा और आपका इंटरनेट बहुत अच्छे से चलने लगेगा। ओके थैंक यू। अब हम ONT के अंदर इंटर होने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने URL में टाइप कर दिया 192.168.1.1। जैसे ही हम इंटर किए उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद हमें ऑप्शन पूछेगा अभी यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड हम जैसे ही इंटर करेंगे तो मॉडम के अंदर हम लॉगिन हो जाएंगे। अब हम पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि अभी मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको। अब हम मॉडम के अंदर लॉगिन होने वाले हैं। लॉगिन होने के लिए अभी देखिए, अभी हम मॉडम के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है अभी इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगर करना है। इंटरनेट के कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे नेटवर्क में जाना पड़ेगा। नेटवर्क में आप जैसे ही गए, नेटवर्क में जैसे ही जाते ही आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन इंटरफेस के लिए बहुत सारा, लेकिन ये सब क्या है डिफॉल्ट में सेट किया गया है, तो सबसे पहले आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करते ही आपको आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऐड करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऐड का, ऐड करते जाइए नेटवर्क को। अब देखिए यहाँ पे ऐड मिला तो ऐड पे आप क्लिक कीजिए। ऐड करने के बाद आपको मोड हमेशा रूट रखना है, उसके बाद सर्विस हम किसके लिए कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, तो इंटरनेट दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, VLAN ID आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से मान लीजिए, जो BSNL का जो सर्विस प्रोवाइडर है आप उससे पूछेगा कि मेरा VLAN ID कितना है। जैसे मेरे पास एक सर्विस प्रोवाइडर है उनका मुझे पास VLAN ID है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद उसका यूजर नेम पासवर्ड भी आपको सर्विस प्रोवाइडर से मांगना है। जैसे कि अभी देखिए ये वाला BSNL का फॉर्मेट है, ये वाला आपको ई वाला है तो ईस्टर्न जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मेरे पास अभी एक यूजर का है 296204, ये इसका यूजर नेम हो गया। उसके बाद हमें पासवर्ड, पासवर्ड जितना भी है BSNL का वो पासवर्ड पासवर्ड ही है जितने भी ये यूजर है पूरे ऑल इंडिया में। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपका इंटरनेट का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपको स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा, अभी मेरा इंटरनेट आया कि नहीं आया, इंटरनेट आया कि नहीं आया, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए इसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्टेटस में, स्टेटस में आप जैसे ही जाएंगे, स्टेटस में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा वन में। वन में जैसे ही जाएंगे आपको देखिए यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड दिखा रहा है, तो मतलब अभी हमारा क्या हुआ वॉइस के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो चुका। और ये देखिएगा हमेशा स्टेटस में जाके आप हमेशा चेक करते रहिएगा कि पॉन स्टेटस मेरा कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर डिसकनेक्टेड दे रहा है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका इंटरनेट तो चलेगा ही नहीं चलेगा। उसके बाद आपका ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर कितना होना चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा।
ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पावर -30 GB से कम नहीं होना चाहिए। -30 का मतलब हो गया कि -32 नहीं होना चाहिए, -35 नहीं होना चाहिए, -28 हो गया तो भी चल जाएगा आपका इंटरनेट, -25 है तो भी चल जाएगा, -30 से आपका कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंटरनेट के लिए कॉन्फिगर ये हमने कर लिया, उसके बाद हम अब देखिए अगर आप इसका वाईफाई पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वाईफाई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जाइए नेटवर्क में, आज जितना भी वाईफाई का काम है आपको डब्ल्यू लैन में जाना पड़ेगा। डब्ल्यू लैन में जैसे ही जाएंगे, डब्ल्यू लैन में जाने के बाद आपका यहाँ पे SSID दिया, SSID हटा के आप यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए, जैसे कि SUMIT सुमित 1234, मैंने अपना नाम दे दिया 1234 कर दिया। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, पासवर्ड मैंने दे दिया 1234567A। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसके साथ साथ आपका मेरा क्या हो गया, वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज हो गया और वाईफाई का नाम भी चेंज हो गया। अभी देखिएगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे अभी मुझे मल्टीपल ऑप्शन अगर इंटर तो बहुत सारे ऑप्शन अभी मुझे दिख जाएंगे, अगर आप वाईफाई को सर्च कीजिएगा तो आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएगा। इस तरह हमने क्या कर लिया, अभी अभी देखिए अभी हमने वाईफाई में जाके सर्च किया तो क्या मिल गया, सुमित 1234। अभी इसका हम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड हमने क्या सेव किया था 1234567A, ये अभी हमने देखिए अभी हमने डाला था वही हमें यहाँ इंटर कर देना है। इस तरह अभी हम क्या कर लेंगे, ये वाईफाई से भी कनेक्टेड हो जाएंगे। अभी हमने इस करने के लिए अभी देखिए कनेक्टेड हो गया। इस तरह भी हमने इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया और वाईफाई पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं और पावर कितना होना चाहिए ये सब चीजें हमें मालूम चल गया। ओके, थैंक यू।